नमस्ते, मेरा नाम है गौरव और आज हम फूड टूर करने के लिए आए लोअर परेल। 2 महीने के बाद मेरा फूड ब्लॉग आएगा, एक न्यू एपिसोड के साथ आ जाएगा। और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अभी यहाँ पे के रोल से। ये लोअर परेल में ही है, लोअर परेल स्टेशन के जस्ट हार्डली 5 मिनट्स वॉकेबल पे है। तो वहाँ पे उन लोग का 17 ईयर्स पुराना जॉइंट है, तो वहाँ पे उन लोग का फेमस कुछ चिकन टिक्का मायो है, तो हम लोग सबसे पहला वही स्टार्ट करें। अभी हम आए हैं के रोल्स में। के रोल्स में इनका जो फेमस है चिकन टिक्का मायो, इसमें जो स्टफिंग की है वो चिकन की है। मायो का ज्यादा फ्लेवर आ रहा है। चिकन को इन लोगों ने अच्छे से मैरिनेट किया है। हम लोग के साथ है सतीश सर, ये यहाँ के ओनर है। सतीश सर, जरा यहाँ बदल का सांगू सकता तुम्ही के रोल्स बदल? हाँ, के रोल 17 वर्ष झाली त्याला। ओके, लोकली वेरी पॉप्युलर है। वेज नॉनवेज दोन्ही टाइपचे रोल्स आहेत इथं आणि एवरीथिंग इज मेड फ्रेश फ्रॉम स्क्रॅच। सॉसेस पासून सगळं काही मेड फ्रेश डेली। फक्त आमच्या इथं केचप आणि चिली सॉस बाहेरून येतं, बाकी एवरीथिंग इज मेड इन हाऊस डेली। नो ऍडिटिव्स, नो प्रिझर्वेटिव्स अँड फ्रेशली मेड। आणखीन हे आता आम्ही खाल्लेलं आहे चिकन टिक्का मेयो। व्यतिरिक्त आणखीन दुसरा बर्न्ड गार्लिक फार पॉप्युलर आहे। आमचं बर्न्ड गार्लिक स्लाइट स्वीटनेस आहे, अगदी वेगळं आहे। आमचं एक पेरी पेरी आहे, खूप पॉप्युलर आहे। एक मेक्सिकन आहे, व्हेरी पॉप्युलर। सोया चाप मध्ये पण रोल्स आहे। व्हेज ऑप्शन्स आहेत, नॉन व्हेज ऑप्शन्स आहेत। आणि मेन थिंग इज, इम्पॉर्टंट थिंग इज की आमचं फ्रेशनेस, क्वालिटी अँड नो ऍडिटिव्ह अँड नो प्रिझर्वेटिव्ह अँड ऍब्सोल्युटली टेस्टी। ये खा के जो पता चल रहा है बहुत ही फ्रेश है। चिकन काफी टेंडर है और इनका जो रोल है वो भी काफी सॉफ्ट है। सर आपके जरा लोकेशन बता दीजिए और आपके शॉप को कितना साल हुआ? ये शॉप को 17 साल हो गया है और इसका लोकेशन है लोअर परेल वेस्ट में, फिनिक्स मॉल के सामने। पॉपुलर डेस्टिनेशन है, आपने देखा जोमेटो वोमेटो के अवार्ड वॉर्ड सब हमारे को मिले हैं। और मोर इम्पोर्टेंट इज दैट कि हमारा कस्टमर बेस बहुत स्ट्रांग है एंड वी एब्सोल्युटली लव व्हाट वी डू। 17 ईयर से सर यहाँ पे ये कर रहे हैं। और लोअर परेल अगर देखते हो तो ये काफी पॉपुलर है कॉर्पोरेट ऑफिसेस के लिए। यहाँ पे अगर देखते हो तो 80-90% सिर्फ ऑफिसेस है। का सर का जो फेमस है वो चिकन टिक्का मायो है। तो अगर आप यहाँ पे कहीं पे भी आ जाते हो तो प्लीज आप यहाँ पे आके जरूर ट्राई कीजिए। लोअर परेल आके ये फर्स्ट डेस्टिनेशन हम लोग का था के रोल्स। और यहाँ पे जो हम लोग ने जो रोल खाया है चिकन टिक्का मायो, ये बहुत ही अच्छा टेस्टी था। इसका प्राइस जो है अराउंड 150 रुपीज़ है। इसका जो रोल है पूरा सॉफ्ट है, मायो का फ्लेवर, मायो में भी उन्होंने मसाला ऐड किया है, चिकन टेंडर है और खा के लिटरली बहुत अच्छा लगा है। अगर आप यहाँ पे कभी भी आते हो तो ज़रूर आप ये ट्राई कीजिए। अभी हम लोगों ने चिकन रोल खाने के बाद यह इनका फ्रेश लाइम सोडा ऑर्डर किया है। अभी समर का सीज़न है और ये ऑर्डर किया हम लोगों ने फ्रेश लाइम। टेस्ट बहुत ही अच्छा है, रिफ्रेशमेंट है। अभी आगे जाके और देखते क्या मिलता है क्या नहीं, तो बने रहे हमारे साथ पूरे वीडियो में। अभी हम के रोल्स में चिकन रोल खाने के बाद हम जस्ट थोड़ा हार्डली 2 मिनट वॉक किया और यहाँ पे हम लोग को दिखा है सुबह भोजनालय। यहाँ पे आके हम लोग ने अभी जो ऑर्डर किया है वो है सुरमई फिश थाली, जिसका कॉस्ट है 240 रुपीज़। तो जैसे हम आए सुबह भोजनालय, तो सुबह भोजनालय में आपको वेज का भी ऑप्शन है और नॉन वेज का भी ऑप्शन है। ये जो सुबह भोजनालय होता है वो ट्यूजडे को क्लोज होता है। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो ऑलमोस्ट हर एक थाली अवेलेबल है, चिकन मटन वेज
सब कुछ अवेलेबल है। ये ऑथेंटिक महाराष्ट्रन थाली यहाँ पे मिलेगी आपको। यहाँ पे जैसे घरगुती खाना जो हम लोग मराठी में बोलते हैं, एग्जैक्टली वही टेस्ट आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। अभी हम लोग ने जो सुरमई थाली ऑर्डर किया था वो भी हमारे पास आ चुकी है। ये सुरमई है, इसको रवा फ्राई किया है, दो भाकरी दिया है, ये तांदाची मराठी में तांदाची भाकरी, राइस भाकरी है, ये स्टीम राइस है। इसमें अगर आप देखते हो तो ये सोल कड़ी है। मैं दिसंबर में मालवन गया था तो ये थ्राइस इन अ डे में ज़रूर ट्राई करता था। इतनी अच्छी ये होती है, डाइजेशन के लिए होती है। और ये एक्चुअली करी है, हम लोग उसको सालन कोई कोई बोलते हैं, कोई कोई कालवन बोलते, कोई कोई मदरसा बोलते हैं। इनको 67 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। ये प्रॉपर असल मराठी टेस्ट है इसका। एज यूजुअल जो करी होती है वो टैंगी फ्लेवर की होती है, ये भी टैंगी है। अभी मैं सोल कड़ी ट्राई कर रहा हूँ। सोल कड़ी मुझे इतनी पसंद है। मैं सोल कड़ी इसलिए ट्राई करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने मालवन में बहुत सोल कड़ी पिया था। मुझे देखना है मालवन का और मुंबई का सोल कड़ी का टेस्ट सेम है एग्जैक्टली एज इट इज है या नहीं, तो लेट्स ट्राई। डिफरेंस है जो मालवन में जो सोल कड़ी मिलती है वो ऑथेंटिक सोल कड़ी हो, तो ओवरऑल अच्छा देखते हो तो ये ठीक है। अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ सुरमई फिश, ये पूरा रवा फ्राई है। ठीक है, एक्सपेक्ट कर रहा था कि थोड़ा और अच्छा हो जाए, लेकिन ठीक है। अभी हम सुबह भोजनालय से फिश थाली खा के अभी जस्ट निकल जा रहे हैं। देखते हैं कहीं और दूसरा कुछ डेस्टिनेशन में जाके देखते हैं, अगर और कुछ मिल जाता है तो वो भी एक्सप्लोर करते हैं। तो अभी हम सुबह भोजनालय से जस्ट बाहर आए, हार्डली हमने एक दो स्टेप लिया और यहाँ पे हमको दिख गया कीमा जी। ये सिर्फ कीमा यहाँ पे मिलता है, चिकन कीमा मिलता है। तो चिकन कीमा में इनके पास तो एक स्पाइसी लेवल का है जिसको झटका झटका बोलते हैं, एक नॉर्मल लेवल का जिसको ओजी क्लासिक कीमा बोलते हैं। तो आइए देखते हैं। इनके पास नॉन वेज भी है और वेज में भी है। वेज में इन लोग देते हैं सोया में, सोया चाप जैसा होता है वो। तो भाई आपके यहाँ पे कौन सा स्पेशलिटी है आपका? स्पेशलिटी अगर हमारे यहाँ पे बहुत स्पाइसी मिलता है, अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी खाना है तो हमारे यहाँ पे एक मिलता है झटका कीमा पाव। और मैं बोलता हूँ कि दिन में ज़्यादा करके हमारे यहाँ पे झटका ही ज़्यादा सेल होता है, सबसे ज़्यादा झटका कीमा पाव। झटका में आप क्या इंग्रेडिएंट डालते हो? तो वही चिकन होता है और अपना ये होम मेड चिली पाउडर, चिलीज, कोरिएंडर्स वगैरह वही सब। तो हमारे लिए झटका क्लासिक दे दीजिए। झटका क्लासिक। ये आपके शॉप को कितना टाइम हुआ है? मींस अभी रिसेंटली चालू हुआ है, फरवरी से, फेब 2024। ये कितने से कितने बजे तक चालू रहता है? मॉर्निंग 11 टू इवनिंग 9:30 तक। अभी भाई ने हमको झटका क्लासिक दे दिया है। ये कीमा है जिसमें घरगुती मसाले यूज़ करते, जैसा मिर्च पाउडर हुआ, कोरिएंडर हुआ, धनिया हुआ, ऐसा सब कुछ ये मिक्स करके दिया। तो आइए ज़रा इसका टेस्ट करते हैं।
ज़्यादा ग्रेवी वगैरह नहीं है तो ये एक अच्छी बात है। और इसके साथ उन्होंने दी है मिंट चटनी दी है, इसका जो प्राइस है 65 रुपीज़ है और ये जस्टिफाई है और इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा है। अभी हम लोगों ने झटका क्लासिक खाया और ये वाकई में बहुत झटका देने वाला था, लेकिन टेस्टी भी उतना ही अच्छा था।